दोस्तों मैं लेके आ चुका हूँ आप सभी के लिए एक और वीडियो। और गाइस स्वागत है आप सभी का इस वीडियो के अंदर। और आज की वीडियो है यहाँ पर 10,000 रुपये के अंदर टॉप 5 स्मार्टफोन्स की। तो गाइस अगर आप चाहते हैं कि आपको 10,000 रुपये के अंदर एक ऐसा स्मार्टफोन मिले जहाँ पर आपको यार पावरफुल परफॉर्मेंस मिले, बैटरी, कैमरा, डिस्प्ले काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाए, तो गाइस मेरे हिसाब से यार आपको इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना चाहिए। कि दोस्तों यार मैं आपको यहाँ पर कोई भी फ़ोन ऐसे ही नहीं बता देता हूँ, मैं यहाँ पर पूरी रिसर्च करता हूँ उन स्मार्टफोन्स के बारे में कि वो फ़ोन्स कैसे हैं, रियल टाइम में आपको कैसी परफॉर्मेंस दे देंगे, कैसा कैमरा है, कैसी बैटरी और कैसी क्वालिटी आपको देखने को मिलेगी उन स्मार्टफोन्स के अंदर। गाइज आई होप कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे। तो यार वीडियो को पूरा ज़रूर देखना और स्किप बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि मैं यहाँ पर कोई भी रैंकिंग नहीं बताऊँगा। मैं यहाँ पर आपको सिर्फ बताने वाला हूँ कुछ स्मार्टफोन जो कि 10 से 10,500 की प्राइस पर काफ़ी ज़बरदस्त हैं। गाइज मेरा नाम है राम और आप देख रहे हैं गैजेट न्यूज़ हिंदी। चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले रियलमी नार्जो 20A की। ये स्मार्टफोन आपको मिल जाएगा 8,500 रुपये में। यहाँ पर आपको मिल जाती है 3GB रैम, 32GB की इंटरनल स्टोरेज, 6.5 इंच की आपको यहाँ पर मिल जाएगी HD+ की डिस्प्ले, ब्राइटनेस और कलर्स काफ़ी अच्छे आपको यहाँ पर मिलेंगे। साथ ही बात करूँ कैमरा की गाइज तो आपको मिल जाता है बैक में 12 MP का ट्रिपल सेंसर, 8 MP का आपको मिल जाएगा फ्रंट कैमरा। और गाइज सबसे अच्छी बात यहाँ पर आपको मिल जाती है यार 4K की वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन। यहाँ पर आपको कैमरा क्वालिटी काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी, लेकिन यार लो लाइट में आपको उतनी अच्छी इमेजेस देखने को नहीं मिलेंगी। और दोस्तों बात करूँ बैटरी बैकअप की गाइस, तो यहाँ पर आपको मिल जाती है 5000 mAh की बैटरी, जहाँ पर आपको यार 1 से 1.5 दिन का बैकअप बहुत आसानी से देखने को मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं प्रोसेसर की, तो यहाँ पर आपको मिल जाता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 665 का प्रोसेसर। और दोस्तों इस प्राइस रेंज के हिसाब से यार यहाँ पर आपको बहुत ही ज़बरदस्त पावरफुल प्रोसेसर दिया गया है। यहाँ पर आपको डेली टास्क या हो या गेमिंग हो दोस्तों काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी इस स्मार्टफोन के अंदर। यहाँ पर आपको डिजाइन भी काफी अच्छा देखने को मिल जाएगा, बैक में फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया गाइस। तो दोस्तों काफी अच्छा ऑप्शन है, अगर आप चाहें इस प्राइस रेंज के हिसाब से जरूर से इस फोन को चेकआउट कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं यहाँ पर अगले स्मार्टफोन की गाइस, तो अगला स्मार्टफोन है इन्फिनिक्स की तरफ से इन्फिनिक्स हॉट 10। गाइस ये ब्रांड मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन यार यहाँ पर आपको स्पेसिफिकेशन काफी अच्छी दी गई है। चलिए बात करते हैं यहाँ पर स्मार्टफोन की, तो डिजाइन वाइज काफी अच्छा आपको यहाँ पर स्मार्टफोन देखने को मिलता है। बैक में फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है, फ्रंट में आपको यहाँ पर 6.78 इंचेस की HD+ की डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी पंच होल कटआउट के साथ में दोस्तों। तो लुकिंग वाइज काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको यार डिस्प्ले काफ़ी बड़ी देखने को मिलती है इस प्राइस रेंज के हिसाब से। दोस्तों बात करूँ कैमरा की, तो फ्रंट में आपको मिल जाएगा 8 MP का सेल्फी सेंसर, बैक में आपको मिलेगा यहाँ पर 4 कैमरे, जहाँ पर आपको मेन सेंसर देखने को मिलेगा 16 MP का। इन गाइज अगर आपकी प्रायोरिटी यहाँ पर कैमरा गाइज, तो ये स्मार्टफोन आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों बात करूँ यहाँ पर बैटरी बैकअप की, तो यहाँ पर आपको मिल जाती है 5200 mAh की बैटरी, तो बैकअप भी दोस्तों आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। बात करते हैं अब यहाँ पर परफॉर्मेंस की गाइस, तो यहाँ पर आपको मिल जाता है मीडिया टेक हीलो G70 का प्रोसेसर, जो कि काफ़ी कमाल का प्रोसेसर है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको डेली टास्क और जो गेमिंग है दोस्तों दोनों में काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको मिल जाती है 4GB रैम, 64GB की इनबिल्ट स्टोरेज, जिसे आप एक्सपेंड कर पाएंगे 256GB तक। और दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है आपको मिल जाएगा 9,000 रुपये में। तो दोस्तों अगर आपकी यहाँ पर प्रायोरिटी है डिस्प्ले, बैटरी और परफॉर्मेंस, तो आप ज़रूर से इस फोन को चेकआउट कर सकते हैं। और दोस्तों अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब करके घंटी बटन को जरूर से दबा दीजिएगा, ताकि दोस्तों आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। गाइस चलिए बात करते हैं अब यहाँ पर दो ऐसे स्मार्टफोन जो कि आपको बिल्कुल भी सेम स्पेसिफिकेशन के साथ में देखने को मिल जाएंगे। फर्क सिर्फ आपको यहाँ पर इतना मिलेगा गाइस कि एक स्मार्टफोन यानी कि पोको M2 के अंदर आपको मिल जाता है 6GB का रैम, और रेडमी 9 Prime के अंदर आपको देखने को मिलेगी 4GB की रैम। चलिए बात करते हैं यहाँ पर मेन फीचर्स की गाइस, तो 6.5 इंच की आपको यहाँ पर फुल HD+ की रिजोल्यूशन वाली डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, जो कि 10,000 की प्राइस पर आपको किसी भी स्मार्टफोन्स के अंदर देखने को नहीं मिलती है। और गाइस बात करूँ कैमरा की, तो बैक में आपको मिल जाएगा 4 कैमरा, जहाँ पर आपको मेन सेंसर देखने को मिल जाता है 13 MP का, फ्रंट में आपको मिल जाएगा यहाँ पर 8 MP का सेंसर दोनों ही स्मार्टफोन के अंदर। गाइस दोनों ही स्मार्टफोन से आप यहाँ पर फुल HD की रिकॉर्डिंग भी कर पाएंगे। चलिए बात करते हैं अब यहाँ पर बैटरी बैकअप की गाइस, तो यहाँ पर आपको मिल जाती है 5000 mAh की बैटरी, जहाँ पर आपको 18W की फास्ट चार्जिंग और साथ ही USB टाइप सी की पोर्ट भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है 10,000 की प्राइस पर, और यहाँ पर आपको मिल जाता है MediaTek Helio G80 का प्रोसेसर दोनों ही स्मार्टफोन के अंदर। तो परफॉर्मेंस और गेमिंग के मामले में दोनों ही स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा बेटर हैं, बस फर्क है दोस्तों रैम का। तो दोस्तों अगर आपको ज़्यादा रैम चाहिए तो आप पोको M2 के साथ में जा सकते हैं, अगर आपको कम रैम चाहिए दोस्तों तो आप रेडमी 9 Prime के साथ में भी जा सकते हैं। तो दोस्तों चॉइस आपके ऊपर है यार, आप कौन सा स्मार्टफोन यहाँ पर परचेस करना चाहते हैं। मेरे हिसाब से यार पोको M2 काफ़ी ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है, 6GB की रैम मिल जाएगी आपको सिर्फ 10,000 रुपये के अंदर।
तो चलिए बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर एक और स्मार्टफोन जो कि दोस्तों 10,500 की प्राइस पर आपको देखने को मिलेगा रियलमी की तरफ से, रियलमी नार्जो 20। दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है यहाँ पर आपको यार HD प्लस की रिजोल्यूशन वाली डिस्प्ले मिलेगी 6.5 इंच की। साथ ही यहाँ पर आपको जो डिस्प्ले की क्वालिटी है और ब्राइटनेस है दोस्तों वो काफ़ी ज़्यादा बेटर देखने को मिलेगी रेडमी 9 प्राइम और पोको M2 से। तो बात करूं यहां पर कैमरा की तो यार बैक में आपको ट्रिपल कैमरा सेंसर देखने को मिलेंगे जहां पर मेन कैमरा है दोस्तों 48 मेगापिक्सल का और साथ ही यहां पर आपको मिल जाता है 8 मेगापिक्सल का सेंसर दोस्तों सेल्फी के लिए। और गाइज यहां पर भी आपको यार फुल HD की रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। दोस्तों बात करूं यहां पर बैटरी बैकअप की तो यहां पर आपको मिल जाती है 6000 mAh की बड़ी बैटरी जहां पर आपको यार 18W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। और साथ ही गाइस बात करूं यहां पर प्रोसेसर की तो यहां पर आपको मिल जाता है मीडियाटेक हीलो G85 का प्रोसेसर। तो दोस्तों थोड़ी सी अपग्रेडेड प्रोसेसर यहां पर आपको देखने को मिल जाता है, अपग्रेडेड परफॉर्मेंस और गेमिंग परफॉर्मेंस भी आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। इस स्मार्टफोन के अंदर आपको मिल जाएगी 4GB रैम 64GB की इनबिल्ट स्टोरेज जिसे आप एक्सपांड कर पाएंगे 256GB तक। और दोस्तों ये स्मार्टफोन आपको मिल जाएगा 10,500 रुपये की प्राइस पर। दोस्तों अगर आप 10,500 रुपये खर्च कर सकते हैं और आपको एक अच्छा कैमरा, बैटरी, डिस्प्ले और दोस्तों साथ में आपको अच्छी डिज़ाइन चाहिए तो ज़रूर से आप इस फोन को चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है हमारी ये लिस्ट आपको पसंद आई होगी, अगर आपको नहीं पसंद आती तो भी आप कमेंट में ज़रूर से बता दीजिएगा। दोस्तों उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोज़ लेकर के आते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।